बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग गंजी. ऐसे पकड़ो और ऐसे बाल आते. अभी यू वॉन्ट बिलीव, मेरी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना सिर धोने के लिए, यू नो, आर ओ, किचन में जो आर ओ लगा है वहाँ से बाल्टी भरते हैं, देन दे गो एंड वॉश देयर हेड, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा फॉल हो चुका है, हेयर फॉल हो सो चुका है. बालों के मामले में गाइस मैं आपको बोलूँगी पैसों पे मत जाएं. ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, हार्डली 1500-1600 तक की, और लेकिन आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रेंटेड अपार्टमेंट में हैं, हम क्यों यू नो इंस्टॉल करें. आप इंस्टॉल करें, आपको जहाँ जाना हो आप इसको उतारें और ले जाएँ साथ में. आई मीन जब तक आप वेट करें कि हम अपने घर में जाकर यू नो इंस्टॉल करेंगे, तब तक क्या गारंटी है कि यू नो आपके बाल बचेंगे. तब तक कैन यू इमेजिन कितने ज़्यादा बाल टूट जाएंगे. नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल. आज की वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ, और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, और एक मेजर रोल जो अदा करता है हेयर फॉल में आपके अच्छे बालों की हेल्प पे, वो है पानी. आपकी जगह जहाँ आप रह रहे हैं, जिस पानी से आप अपने हेयर वॉश करते हैं या अपनी स्किन पे उसको लगाते हैं, स्किन वॉश करते हैं, वो पानी किस क्वालिटी का है. मैं रहती हूँ बैंगलोर में, और इतना घटिया पानी है ना यहाँ का, मैं आपको बता नहीं सकती. इट्स जस्ट लाइक बहुत ही घटिया क्वालिटी है यहाँ के पानी की, और उसकी वजह से, और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल पहले शिफ्ट किया था, और शिफ्टिंग होने के बाद ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग गए. सो ऑलमोस्ट 1.5 साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया कि शायद यू नो सूट कर जाएगा, आदत पड़ जाएगी बालों को यू नो इस तरह के पानी की. पर जब बहुत ज़्यादा टूटने लगे और कोई भी रेमेडीज़ या ऑयल्स वगैरह काम नहीं आ रहे थे, तो आई थॉट कि मैं यू नो एक फ़िल्टर इंस्टॉल करूँ पानी को, जस्ट फिल्टर करने के लिए. स्पेशली मेरे बालों को धोने के लिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए था, बिकॉज़ आई वाज ऑलमोस्ट गोइंग गंजी. ऐसे पकड़ो और ऐसे बाल आते, अभी भी आ रहा है बट बहुत कम है. ऐसे पकड़ो और 8-8, 10-10 बाल ऐसे यू नो मेरे हाथ में आ जाते थे. घर को अगर आप झाड़ू लगाओ तो कूड़े से ज़्यादा मेरे बाल निकलते थे. माई हस्बैंड यूज़ टू मेक फन ऑफ मी कि आधे से ज़्यादा कूड़े से ज़्यादा तुम्हारे बाल होते हैं. सो आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ, इफ आई कैन यूज़ दैट वर्ड. बट फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च की, और गूगल पे आई मीन अमेजोन पे मैंने चेक किया कि कौन सा फ़िल्टर अप्लाया जाए. तो एक रिवर सॉफ्ट कंपनी है, और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी लगी. आई थॉट जस्ट ट्राई एंड गो फॉर दिस वन. कॉस्ट वाइज भी जब उस टाइम पे मैंने खरीदा था तो इट वाज अराउंड 1600. फिल्टर ये है हमारा फिल्टर, और इस ब्रांड का नाम जैसे मेंशन किया था ये है रिवर सॉफ्ट SP15 Pro, और ये है शावर या फिर टैप फिल्टर आप इसे कह सकते हैं. अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. मैंने इसे मार्च में ख़रीदा था, तो ऑलमोस्ट मुझे आप कह सकते हो कि 6 महीने होने वाले हैं इसको यूज़ करते हुए. सो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अब आपको बताऊं कि एक्चुअल में इसका क्या रिव्यू रहा है. अमेज़ॉन पे इसकी जो रेटिंग है वो है 4 स्टार्स, और ऑलमोस्ट 500 लोगों ने इसको 4 स्टार्स दिए हैं. नाउ अगर इसकी बात करूँ कि क्या क्या मेंशन है उनकी वेबसाइट पे, तो उनके अकॉर्डिंगली ये 40,000 लीटर ऑफ पानी फिल्टर कर देगा. ये इकलौती इसकी जो ये कैंडल आती है इसके साथ. और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हार्डनेस है पानी या बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड पानी है, तो हो सकता है कि उतना पानी ये फ़िल्टर ना कर पाए. तो 40,000 लीटर के अकॉर्डिंग वो लोग कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक एक कैंडल इसकी चलेगी. उसके बाद आप इसका सप्लीमेंट इसका एक एक्सचेंज मंगा सकते हैं. ये वाला डिस्कार्ड करके यू विल हैव टू इंस्टॉल अ न्यू फिल्टर इसके अंदर वाला. तो इस तरीके से यहाँ पर नेट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी अंदर नेट है. और इस साइड अगर आप देखें तो ये प्लेन नोज़ल है इसका, और नीचे वाली साइड बेस में इन्होंने दिया हुआ है ऐसे इस तरीके से नेट. अब ये जो बॉडी है इसकी, ये प्लास्टिक बॉडी है गाइस, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी प्लास्टिक है. और अभी मैंने उतार रखा है इसको फ़िल्टर के ऊपर से, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने, आई मीन 6 महीने ऑलमोस्ट कह लें हम, उसमें इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश यू नो आई डोंट नो क्या कहेंगे इसको, जंक तो नहीं है ये, बट मॉइस्चर होने की वजह से थोड़ा फंगस जैसा लग रहा है, जो कि मैंने सर्फ से साफ़ करने की कोशिश की थी बट ये नहीं उतरा. बट बाहर से ही है, अंदर से इसकी बॉडी बिल्कुल क्लीन है. अंदर से ऐसे कोई ग्रीनिश काई वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है. तो आप इसको इसमें डालेंगे, इंस्टॉल करना इसको बहुत ही ईजी है गाइस. सो इंस्ट्रक्शन गाइड इसके साथ आती है, और आप उसे पढ़कर
बड़े ही आराम से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने डाला है, ये पूरा का पूरा यू नो बंद हो जाएगा। इसके दोनों साइड के जितने भी ये नोजल्स हैं ये यूनिवर्सल नोजल्स हैं, आउटलेट और इनलेट दोनों का, और ये किसी भी टैप में किसी भी शॉवर में बड़े आराम से लग जाता है अकॉर्डिंग टू देम। और मैंने इसको अपने शॉवर पे इंस्टॉल किया था तो बहुत ही आराम से ये ऐसे यू नो जस्ट लाइक आप कोई ढक्कन बंद कर रहे हो उसी तरीके से ये बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद आई मीन इसमें से कोई लीकेज नहीं होती है कि आप सोचें कि यहाँ से पानी निकल, हैवी यू नो प्रोडक्ट है ये। अच्छा देखने में स्टेनलेस स्टील टाइप लगता है बट है ये एक्चुअल में, कैन यू हियर, प्लास्टिक बॉडी है लेकिन अच्छा हैवी है। ओके तो ये वाली जो साइड है प्लेन जो बिल्कुल जिसमें कुछ भी नहीं है अंदर की तरफ, यहाँ पे आपका लगेगा शॉवर इस तरीके से। और ये वाली साइड जिसमें अंदर एक नेट दिया हुआ है ऊपर की तरफ, ये आपके पाइप में ऐसे जाके लग जाएगा, राउंड घुमाएंगे आप और इस साइड से आप इसको इससे अटैच करेंगे। अभी मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। सॉरी एक्चुअली मैं अपना एक ही हाथ से अपना कैमरा होल्ड कर रही थी, सो दिस इज़ द वे। इस तरीके से ये शावर में लग गया है और इस साइड से मैं बस इसको पाइप में अटैच कर दूंगी। एक बात और, मैं अपनी YouTube की यू नो डिटेल्स देख रही थी तो अकॉर्डिंग टू YouTube 95% जो लोग हैं मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सिर्फ 5% लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। क्यों यार, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी वीडियोज़ को बनाने में, एक एक वीडियो को बनाने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, पूरी रिसर्च करती हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्टेंट शेयर करने की कोशिश करती हूँ, कितना बोलूँ बट उतना भी कम है। काइंडली यू नो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो प्लीज़ शेयर कर दो, एक छोटा सा लाइक कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। यू नो YouTube स्पेशली जो भरा पड़ा है होम रेमेडीज से टू स्टॉप हेयरफॉल, लेकिन बहुत सारे लोग यू नो ये दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि आप जो मर्जी रेमेडी करें, जैसा मर्जी ऑयल बनाए, प्रोसेस करने के बाद जिस चीज़ से आप अपने हेयर वॉश करते हैं विच इज़ वाटर, पानी, अगर वो ही आपकी जगह का खराब, आपके बालों को नुकसान करेगा ही करेगा। आप जितनी मर्जी रेमेडीज कर लें आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी रेमेडी यू नो काम नहीं आती है। 1500 से 1600 तक का ये प्रोडक्ट आता है, मे बी मैं कहती हूँ अगर 2000 तक का भी आता है इट्स टोटली वर्थ इट। मेरा अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, नो डाउट मेरे बाल अभी भी टूटते हैं लेकिन काफ़ी हद तक आई वुड से 70-75% मेरे बाल टूटने बंद हो गए हैं। और एक मेजर रीज़न, मैं रेमेडीज़ तो करती ही करती हूँ, मेरा जो चैनल है वो रेमेडीज़ का ही है, बट ये रेमेडीज़ मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि मैंने घर पे फ़िल्टर इंस्टॉल किया हुआ है और ऑलमोस्ट मैं इसे 6 महीने हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। आई एम रियली 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 हैप्पी विद द प्रोडक्ट। अगर आप चाहें तो मैं लिंक मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ से क्लिक करें और उसको वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं।